फंबो प्रयाग क्या यार पापा क्या यार पापा अरवा घर से बाहर निकाल देते हो यार नहीं 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 पापा यार ओ बेटा जी अरे ओ बाबूजी किस्मत की हवा चोड़ी ने पापा सब बातों को पुरानी बातों को बुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं क्या बोलते हो निकलो यार उधर ही निकलो हैं हाँ उधर ही रहना इधर मत आ जाना ओ बेटा जी अरे ओ बाबूजी ओ बेटा जी अरे ओ और हाँ मुझे कुछ पुरानी बातों से याद आ गया क्या याद आ गया पापा जी ये क्या था अस्त्र अस्त्र हाँ अस्त्र चप्पल अस्त्र पापा ने हम पर चप्पल अस्त्र का प्रहार किया है और हम यहाँ आ गए पापा ने चप्पल अस्त्र वाली विद्या कब सीखी जब वो पैदा हुए थे तब क्यों ऐसा क्या काम पड़ेगा तो उनको भी चप्पल अस्त्र वाली विद्या सीखनी पड़ी ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है तो बात उस टाइम की है जब हम पैदा हुए थे और तुझे तो बताइए कि हम दोनों जुड़ा भाई हैं और मैं तुझसे 5 मिनट बड़ा तुम किस हिसाब से तुम मेरे पैदा हुए और तुझसे 5 मिनट पहले मैंने दुनिया देखी और दुनिया में देखी सबसे पहले नरस उसका पकड़ लिया मैंने हाथ फिर 5 मिनट बाद तूने जन्म ले लिया तू नरस को मार दी आंख ये सब करते हुए पापा ने देख लिया पापा ने उसी टाइम प्रण ले लिया और एक चप्पल अस्त्र वाली विद्या सीख ली भैया ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भाई घर चलते हैं मुझे पापा से पूछ लेना है ठीक है चल रे आ गए तुम पापा आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए मैंने नर्स को आंख नहीं मारी थी वो तो बचपन में मेरी आंख में कूड़ा चला गया होगा इसलिए हो गया होगा हाँ पापा वो मेरा भी कोई इरादा नहीं था नर्स का हाथ पकड़ने का वो तो अनजाने में पकड़ लिया होगा बाकी आप तो मेरे नीचे जानते ही हैं नर्स मेरे बहन जैसी है नथिंग जैसी कुछ मेरा भी इरादा नहीं था चप्पल अस्त्र विद्या सीखने का वो तो मैंने मजाक मजाक में सीख लिया शुक्र भगवान का आज काम आ रहा है ओके ओके ठीक है ओके बाय बाय क्या यार पापा तुम चलो घर में अंदर बैठ के बातें करते हैं ना बैठ के मामला सुलझा देना तुम नहीं 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 पापा तुम और पापा ही चलता रहो ना तुम लोग एक ना एक दिन आत्महत्या कर लेंगे ठीक है जा कर लो ठीक है कर लो अरे हम आत्महत्या करने की बोल रहे हैं हाँ तो कौन मरेगा सबसे पहले पापा ने अभी किस अस्त्र का प्रयोग किया है शुक्र है भगवान का कि पापा ने इस बार अस्त्र का प्रयोग नहीं किया नहीं तो आज हम यहां नहीं वहां होते वहां होते अबे बेवकूफ उनके हाथ में बंदूक थी तो अब क्या करें अब हमारे पास दो रास्ते हैं पहला कि हम घर चलते हैं और दूसरा वाला कि हम यहीं से घर चलते हैं अबे बेवकूफ हर बार ऐसा नहीं होता दूसरा हम उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके घर चलते हैं तो पहला रास्ता तुम्हारे लिए परमानेंट बंद है पापा हमें इतनी आसानी से घर में तो घुसने नहीं देंगे और दूसरा रास्ता हम पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करके सारा कुछ हो सकता है पर उन्हें हम इमोशनल ब्लैकमेल करें कैसे भाई उन्हें फांसी खाने की धमकी दें बेवकूफ है क्या अरे वो खुद मारने के लिए तैयार है हमको
हाथी कांडे की धमकी। पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए तेरे पास कोई आइडिया है? हाँ है, पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करने का मेरे पास एक आइडिया है। चल सॉरी पापा, हम अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमने गलतियों के सिवाय कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका दिल दुखाया है। लेकिन पापा, जब से आपने हमें घर से निकाला है ना, हमें दुनिया की हकीकत पता पड़ गया है। दोस्त ना जानने पहचानने वाले कोई काम नहीं आ रहा। पिछले 4 दिनों से हम भूखे हैं, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। बस मैं एंड में यही कहना चाहूंगा, हम लायक नहीं है माफी के, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर देना। या वाह भाई वाह, क्या एक्टिंग करता है यार। तुझे तो अवार्ड देना चाहिए था, तुझे तो बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड नहीं टॉलीवुड में होना चाहिए था। बस रहने दे, अब मैं ये वीडियो पापा के लिए भेजता हूँ। देखना पापा 2 मिनट में पिघल जाएंगे, 2 मिनट में। पापा ने वीडियो भेजा, इधर इधर पापा ने वीडियो भेजा। सॉरी बच्चे, एक्चुअली गलती मेरी थी, भूल कर दी तुम्हें समझ नहीं। जो तुमने वीडियो भेजी है ना, वीडियो देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई। तुम टैलेंटेड हो, फिर भी बच्चों से गलती हो जाती है। तुमने वीडियो भेजी है ना, एक बार खुद देख लो। ओके बाय। पिछले 4 दिनों से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। बस मैं ये कहना चाहूंगा, हम लायक नहीं है माफी के, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर दे। भाई यार, मैं तो पीछे बैठ के बीड़ी पी रहा था, पापा ने देख लिया। थोड़ी सी भी अकल नहीं तुझमें, चल। तू गधा है, एकदम गधा। तुझमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है, सारा बना बना गेम बिगाड़ दिया। जब तुझे पता था कि मैं उधर वीडियो बना रहा था, बीड़ी पी रहा है मजे से। भाई वो चुप रह। भाई वो किधर, कैसे चंडिया लेने आए? लेके जा रहे हैं। हाँ एक थे राम और लक्ष्मण, जो दशरथ के कहने पर 14 साल के लिए वनवास चले गए। एक तुम हो, अभी 5 दिन हुए, 5 दिन अपनी चड्डी बनिया नहीं भूल गए? हाँ तो चड्डी नहीं है तो क्या करें, ऊपर से पैसे भी नहीं है और ऊपर से आप पैसे दे भी नहीं रहे। तुम पैसे ऊपर से नहीं, नहीं रहने दो। और आप हमारे तुम राम से मत करो, वो ठहरे पर तो राम और हम तेरे गधे, बिल्कुल गधे। आप सही कह रहे पापा, राम और लक्ष्मण में तो प्रेम था, इस साला कुत्ती तेरे मारता है। हाँ ठीक है, उधर जाओ। ठीक है जा रहे हैं, बाय। जा तो रहे हैं, बाय। क्या करें भाई, पापा को इमोशनल दर्द करें।
आइडिया, पापा किडनैप करवाते हैं। किडनैप? हाँ किडनैप, पापा गुंडों पर किडनैप करवाते हैं। पापा गुंडा किडनैप कर लेंगे, हम उन्हें बचाने जाएंगे, थोड़ी फर्जी फाइट करेंगे, इससे पापा इमोशनल हो जाएंगे और हमें घर ले जाएंगे। भाई ये आइडिया काम करेगा क्या? 100% प्राइवेट फिल्मों में यही होता है, मैंने सारी फिल्में देखी हैं। चल छोड़ देखते हैं, अब तो पापा किडनैप कर लिया होगा। उसको मार दिया, हमको भी मार देगा, चलो भागो।